हेलो एंड वेलकम टू द अकाउंटिंग क्लास। रेशियो एनालिसिस में लिक्विडिटी रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज और सॉल्वेंसी रेशियोज को पढ़ने के बाद हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की तरफ आ गए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी मींस प्रॉफिट अर्निंग कैपेबिलिटी और प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। एक फर्म अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहती है, एक बिजनेस अपने प्रॉफिट को देखना चाहता है कि कितना प्रॉफिट बढ़ा, तो उसकी इस प्रॉफिटेबिलिटी को, इस प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को हम कैसे जान सकते हैं? रेशियो एनालिसिस के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए बिजनेस की हम लोग दो बेस ले सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड अपॉन सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड अपॉन सेल्स में कौन कौन से रेशियोज निकालने होते हैं? पहला इसमें होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दूसरा नेट प्रॉफिट रेशियो, तीसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, चौथा ऑपरेटिंग रेशियो और पांचवी कैटेगरी जो होती है वो तमाम एक्सपेंसेस की होती है, जिसको हम लोग एक्सपेंसेस रेशियोज कहते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में कोई आइडियल, कोई स्टैंडर्ड, कोई बेंचमार्क नहीं होता है, बल्कि ये दो साल के रेशियोज को कंपेयर करके हम समझ सकते हैं और कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पिछले साल आपका प्रॉफिट कितना परसेंटेज था, नेट प्रॉफिट रेशियो कितना था, इस साल कितना है, आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक उसी तरह पिछले साल आपका एक्सपेंस रेशियो कितना था, इस साल कितना है, आप कंपेयर कर सकते हैं। प्रॉफिट, अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट की बात करें, अगर पिछले साल के मुकाबले इस साल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब आपकी अर्निंग कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा हो गई, अच्छी हो गई। अगर वो कम आ रहा है तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी कहीं ना कहीं अफेक्टेड हुई है, उसको हम लोग को देखना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। एक्सपेंस रेशियो में इसका उल्टा होता है, अगर एक्सपेंस रेशियो आपका एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब आप पहले से ज़्यादा एक्सपेंस कर रहे हैं और उसके कंपेरिजन में अगर प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, कोई प्लान बनाना पड़ेगा, कोई अल्टरनेटिव मेजर्स लेना पड़ेगा और उसको चेक करना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि प्रॉफिट हमारा ज़्यादा नहीं आ रहा है बल्कि एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बेस्ड अपॉन सेल्स में देखेंगे। इसमें सबसे पहला रेशियो होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। क्योंकि ये मैंने बता दिया कि ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बेस्ड अपॉन सेल्स है, तो यहाँ पर जो बेस होगा वो नेट सेल्स होगा, हर जगह पे नेट सेल्स को ही लेंगे। अब यहाँ पर इस फार्मूले में ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स है। ग्रॉस प्रॉफिट आपको मालूम है कैसे निकालते हैं, आप फाइनल अकाउंट बनाना जानते हैं, उससे आपको ग्रॉस प्रॉफिट मालूम है कैसे निकलता है। सेल्स, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बताया जा चुका है कैसे निकालते हैं, प्रीवियस रेशियोज में, एक्टिविटीज में और सॉल्वेंसी में कई जगह पर यह आया, बताया गया बार बार, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो इसमें आपको ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नेट सेल्स क्या होता है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न नेट सेल्स होता है। अगर रिटर्न नहीं है तो जो सेल्स है वही नेट सेल्स हो जाएगा। इसको परसेंटेज में निकालते हैं, इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 100 करते हैं तो वो परसेंटेज में आ जाता है, जैसे 20%, 30%, 60%, 80% इस तरीके से। इसके बाद दूसरा फार्मूला जो होता है वो नेट प्रॉफिट रेशियो होता है। इसमें नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इन 200 करते हैं। नेट प्रॉफिट आप जानते हैं कैसे निकालते हैं, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने आता है, फाइनल अकाउंट आपने सीखा है। अगर आपको उसको थोड़ा डाउट है तो मेरा फाइनल अकाउंट का वीडियो देख लेंगे। फाइनल अकाउंट एक कंप्लीट फॉर्मेट, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट निकालना पूरी तरह से बताया गया कि कौन कौन से आइटम जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा नेट प्रॉफिट पता चलता है, वही नेट प्रॉफिट आपको यहाँ फार्मूले में रखना है जिसमें नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स है। नेट सेल्स बार बार आएगा, इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपका तीसरा आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये थोड़ा सा ये ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच का होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम लोग सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम को कंसिडर करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम या और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हटा दिया जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम वो होती है जो आपके बिजनेस की मेन इनकम नहीं है बल्कि अलग से आ रही है। जैसे आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया है तो इन्वेस्टमेंट से आपको जो रिटर्न मिल रहा होगा, चाहे वो इंटरेस्ट के फॉर्म में मिल रहा हो या डिविडेंड के फॉर्म में मिल रहा हो, ये आपके मेन बिजनेस की अर्निंग नहीं, इसको हम लोग नॉन ऑपरेटिंग मानेंगे इस इनकम को।
तो इनकम अगर आपकी इन्वेस्टमेंट से आ रही है तो वो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी की इनकम है। ऑपरेटिंग इनकम या ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते टाइम उसको हम हटा देते हैं। उसी तरीके से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं जो आपके मेन बिजनेस के एक्सपेंस नहीं है, बल्कि उस बिजनेस से के मेन ऑपरेशन के अलावा एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के हो सकते हैं या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बता दें हम कि ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग का नाम आ रहा है, इसके लिए आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आपने सीखा है तो वहाँ पर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में मालूम होगा कि एक्टिविटीज़ को तीन कैटेगरी में बांट करके हम लोग निकालते हैं और सीखते हैं। वहाँ पर क्लियरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ को तीन कैटेगरी में बांटा गया, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। इसको पूरा डिटेल में मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट में बताया है, आप उसको भी डिटेल में देख सकते हैं ताकि आपका ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बहरहाल यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होता है जो बिजनेस के मेन ऑपरेशन से जुड़ा हुआ होता है। उसके अलावा कोई अगर एक्सपेंस होता है जो बिजनेस के मेन ऑपरेशन से जुड़ा हुआ नहीं होता है वो नॉन ऑपरेटिंग हो सकता है। तो नॉन ऑपरेटिंग में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का एक्सपेंस आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अब यहाँ पर आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का एग्जाम्पल ये है, अगर आपने कोई लोन लिया है तो उस लोन पर आपको इंटरेस्ट देना होगा, तो ये जो इंटरेस्ट आप पे करते हैं ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक्सपेंस नहीं होता है, इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इंटरेस्ट माना जाता है। अब यहाँ पर ये सवाल है कि लोन दो तरह का होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अगर आप शॉर्ट टर्म का लोन लिए हैं उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तब तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का कोई लोन लिया हुआ है उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा, इसलिए इसको समझ लेना जरूरी है। तो लॉन्ग टर्म का कोई लोन है उस पर इंटरेस्ट नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, इसलिए उसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। उसके अलावा कोई लॉस हो जाए बिजनेस में, जैसे कोई अर्थक्वेक आ जाता है, लॉस हो गया, थेफ्ट, चोरी हो गया गुड्स का, या लॉस बाय फायर, आग लग गई, तो क्या ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी? नहीं, ये एक्सीडेंटल कुछ हो गया है बिजनेस में और उसकी वजह से आपका लॉस हो गया, तो इसको भी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी मानते हुए हम लोग इस एक्सपेंस को हटा देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, लॉस बाय फायर या इस तरह का कोई और लॉस, ये सारे नॉन ऑपरेटिंग आपके एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं, इनको हटा देंगे। तो जब हम इन एक्सपेंसेस और लॉसेस को हटा देंगे और इस तरह की नॉन ऑपरेटिंग इनकम को, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वगैरह को भी हटा देंगे, तो जो प्रॉफिट अब आएगा ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा, और इसी प्रॉफिट को ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालते वक्त इस्तेमाल करेंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ठीक है। इसके बाद तीसरा आप नेक्स्ट आपका आता है ऑपरेटिंग रेशियो। ये क्या होता है? ऑपरेटिंग रेशियो होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो, ये ऑपरेटिंग रेशियो है, इन दोनों को अगर आप सम करेंगे, इन दोनों का परसेंटेज जो निकलेगा उसको सम करेंगे तो वो 100% आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो ये दोनों कंप्लीमेंट्री हैं, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अगर आपका 20% आया है तो ऑपरेटिंग रेशियो 80% आएगा, तब वो मिलकर के 100 होगा। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मान लीजिए 25% आया है तो ऑपरेटिंग रेशियो 75% आएगा, तब जाकर वो 100 होगा। यानी अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक दूसरे के ये कंप्लीमेंट्री है। ऑपरेटिंग रेशियो अगर बढ़ेगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बढ़ेगा तो ऑपरेटिंग रेशियो कम होगा, और ये दोनों का सम 100% होता है। इसके बाद इसमें आखिरी कड़ी है, बिल्कुल लास्ट कैटेगरी है, वो है एक्सपेंसेस रेशियोज। एक्सपेंसेस रेशियोज में हम तमाम तरह के एक्सपेंसेस को नेट सेल्स से कंपेयर करते हैं। जैसे अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आपका मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें भी होती हैं। तो मटेरियल कंज्यूम रेशियो निकाल सकते हैं हम, जिसमें मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन नेट सेल्स इन 200। डायरेक्ट लेबर एक्सपेंस निकाल सकते हैं जिसमें डायरेक्ट लेबर अपॉन नेट सेल्स इन 200। उसके अलावा आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस रेशियो निकाल सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इन 200।
ये आपका 3 रेशियो हो जाएगा। उसके अलावा और भी रेशियोज हैं, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ आते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ हमारे पास अलग अलग कई कैटेगरी के रेशियोज होते हैं, जैसे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को देखना चाहते हैं कि वो नेट सेल का कितना परसेंटेज है, तो वो भी एक रेशियो निकाल सकते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इन 200। अगर आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो निकालना चाहते हैं तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इन 200 कर सकते हैं, तो वो भी पता चल जाएगा। इसके अलावा अगर आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो निकालना चाहते हैं, अभी मैंने बताया आपको कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट ऑन लोन, लॉस बाय फायर, इस तरह के एक्सपेंसेस को लेते हैं, तो इसका सम करके आप नेट सेल से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये तमाम तरह के आपके एक्सपेंसेस रेशियोज हो जाएंगे। इसको हम लोग एक क्वेश्चन लगाते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। तमाम तरह के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो बेस्ड अपॉन सेल्स है, इसके बाद हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बेस्ड अपॉन इन्वेस्टमेंट को देखेंगे और उसको भी फिर क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमें ज़रूरत होती है नेट सेल्स की और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। यहाँ हमने नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला है। नेट सेल्स, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, नेट सेल्स आ जाएगा आपका। सेल्स 1,20,000 या 8,20,000, सेल्स रिटर्न 20,000 है, माइनस करके 8,00,000 नेट सेल्स आ गया। उसके बाद अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे, जिसके लिए आपको मालूम है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेज प्लस वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये हमने ओपनिंग स्टॉक 50,000, परचेजेस 4,50,000, कैरेज 15,000, वेजेस 35,000, ये सारा चीज ऐड कर लिया है। इसके बाद इसमें से क्लोजिंग स्टॉक जो कि 80,000 है, ये माइनस कर दिया। 4,30,000 हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम करते हैं तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाता है। यहाँ पे मैंने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, नेट सेल्स 8,00,000 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,30,000, माइनस करने पर 3,70,000 ग्रॉस प्रॉफिट आया। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को इस नेट सेल से हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, वही हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होगा। यहाँ पे हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट किया है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इन 200। ग्रॉस प्रॉफिट 370,000 या 3,70,000 और नेट सेल्स आपका 8,00,000, तो इनटू करेंगे 100 से, यहाँ पर 46.25% ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आया है। वैसे देखने से ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है 46% ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। हालांकि इस पर हम बहुत ज़्यादा कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरे पास कोई प्रीवियस ईयर का फिगर नहीं है। अगर 2 साल का फिगर होता तो आप ज़्यादा अच्छे से कंपेयर करके इस पर कोई कमेंट कर पाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के बाद हम लोग नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना सीखते हैं। रेशियो के लिए हमें नेट प्रॉफिट निकालना होगा। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम ग्रॉस प्रॉफिट में से तमाम तरह के नॉन ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को घटा देते हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर देते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर है उसी को हम लेकर के यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकालेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम अभी निकाल चुके हैं, ठीक जस्ट इसके पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए, वो हमारे पास है 3,70,000। अब आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से हम एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आप जानते हैं कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी हम नेट प्रॉफिट निकालना सीख चुके हैं। तो इसमें हम माइनस करते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस, जो कि हमारे पास यहाँ ऑफिस एक्सपेंस है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी माइनस करेंगे। डिस्काउंट डेबिट लिखा है, इसका मतलब डिस्काउंट अलाउड है, पेड है। डिस्काउंट क्रेडिट का मतलब होता है डिस्काउंट रिसीव्ड, वो इनकम होती है, उसको हम ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट डेबिट है, इसको हम माइनस करेंगे, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। बैड डेट, ये आपका माइनस हो जाता है, एक तरह का लॉस है। इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, ये शॉर्ट टर्म लोन पर इंटरेस्ट है, ये भी माइनस हो जाएगा। और लॉन्ग टर्म लोन पर इंटरेस्ट है, वो भी माइनस हो जाएगा। हालांकि ये एक ऑपरेटिंग और एक नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, लेकिन नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग को अलग नहीं करते। तमाम तरह के ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस सबको एक साथ कंसिडर करते हैं, तो दोनों को हमने घटाया है। उसके अलावा लॉस बाय फायर, ये भी आपका नॉन ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग किसी कैटेगरी में नहीं आता है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होता है, तो इसको भी मैंने माइनस किया है। तो इसका टोटल सम आ रहा है 1,15,000 और ग्रॉस प्रॉफिट 3,70,000 है, 370। माइनस करने के बाद 2,55,000 नेट प्रॉफिट आ गया। फार्मूले पर इसको पुट करेंगे, इसका फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इन 200। नेट प्रॉफिट अभी आपने कैलकुलेट किया, ये 2,55,000
और नेट सेल्स आप पहले से कैलकुलेट करके आपके पास है वो है 8 लाख, जो ठीक अभी इसके पहले कैलकुलेट किया था। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से ताकि परसेंटेज में आ जाए। परसेंटेज में जब हमने देखा तो ये 31.875 या 31.88% आ गया, इसको राउंड ऑफ करेंगे अगर हम तो ये भी एक मुझे ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन कंपेयर करने से ज़्यादा अच्छे से हम उसको कमेंट कर पाएंगे अगर हम इसके प्रीवियस ईयर का हमारे पास नेट प्रॉफिट रेशियो होगा तो दोनों को कंपेयर करके बता सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव हुई है या वो पीछे गई है, रिवर्स हुई है, तो इस तरीके से कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमें दूसरा चीज देखना है, वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो उसके लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लॉसेस को हटा देंगे। तो आइए ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं। पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे और अगर कोई ऑपरेटिंग इनकम होगी तो उसको ऐड करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऑफिस एक्सपेंसेस जो मैंने माइनस किया है, सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस किया है, डिस्काउंट माइनस किया है, बैड डेट्स और इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन। ये शॉर्ट टर्म लोन को ऑपरेटिंग एक्सपेंस में रखते हैं जबकि लॉन्ग टर्म लोन को ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं रखते हैं, ये आपका इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हो जाता है। लॉस बाय फायर ये भी नहीं रखा जाएगा क्योंकि ये दोनों आइटम आपके नॉन ऑपरेटिंग है, बिजनेस के रेगुलर ऑपरेशन से इसका लेना देना नहीं है। तो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को या लॉसेस को माइनस करते हैं तो ये हमारे पास 280,000 या 2,80,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। अब इसी प्रॉफिट को हम फॉर्मूले पर रखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकल जाएगा। फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है। नेट सेल्स आपके पास पहले से ही है वो है 8 लाख, इसको डिवाइड करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज के लिए तो ये 35% आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आया है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आप नेट प्रॉफिट रेशियो से थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि अगर इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जब हम और एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो नेट प्रॉफिट आता है। तो ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इसके बाद हम लोग ऑपरेटिंग रेशियो समझेंगे और ऑपरेटिंग रेशियो के बाद एक्सपेंसेस रेशियो देखेंगे। ऑपरेटिंग रेशियो के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास पहले से ही है वो है 4,30,000, 4,30,000 और 90,000 यहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में अभी हमने ठीक निकाला था जिसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हमने शामिल किया था वो है ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, बैड डेट्स, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन। इसमें लॉन्ग टर्म लोन पर इंटरेस्ट और लॉस बाय फायर को शामिल नहीं करते हैं। इस क्वेश्चन के हिसाब से इतना ही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस था तो इसका टोटल आ रहा है 90,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस 90,000 अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, यस इनटू 100 भी यहां पर करते हैं ताकि ये परसेंटेज, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, इसको करने के बाद 65% ऑपरेटिंग रेशियो 65% आया। हमने आपको शुरू में बताया था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो इन दोनों का सम 100% होता है, ये दोनों कंप्लीमेंट्री है एक दूसरे के। तो यहाँ पर आप ऑपरेटिंग रेशियो आपने निकाला जो कि 65% है, ठीक इसके पहले अभी हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाला था वो 35% था। तो 35% और 65% ये दोनों हो गया 100%। इसका मतलब ये है कि अगर ऑपरेटिंग रेशियो बढ़ेगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कम हो जाएगा क्योंकि उन दोनों का सम 100% होता है। मान लीजिए ये 65 की जगह 70% आता तो ये अगर 70% आता ऑपरेटिंग रेशियो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 30% ही होता। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में सबसे आखिरी पार्ट पर हम लोग आ चुके हैं जिसमें हम लोग तमाम एक्सपेंस रेशियो निकालेंगे। एक्सपेंस रेशियो में आप मटेरियल कंज्यूम रेशियो, डायरेक्ट लेबर रेशियो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रेशियो, उसके अलावा ऑफिस एक्सपेंस रेशियो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन में जो चीज़ें हमें मिल पा रही हैं उससे हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेशियो एक आप निकाल सकते हैं जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपने अभी ठीक कैलकुलेट किया था तो वो 430,000 अपॉन 8 लाख इनटू 100, 53.75% कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया। इसके बाद ऑफिस एक्सपेंस रेशियो, ऑफिस एक्सपेंस
जो कि 60,000 है अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 करने पर निकाला हमने 7.5% आया। सेलिंग एक्सपेंस रेशियो इसी तरीके से 20,000 जो कि सेलिंग एक्सपेंस है और 8 लाख आपका नेट सेल्स है, इसको आप मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2.5% आया। इसका मतलब ये है कि आप नेट सेल्स का लगभग 2.5% एक्सपेंस करते हैं अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए या सेलिंग सेल्स को प्रमोट करने के लिए। इस तरीके से आप अपने ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन पर नेट सेल्स का करीब 7.5% खर्च करते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो, ये तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंस का सम करके एक परसेंटेज निकाला जाता है कि नेट सेल्स का कितना परसेंटेज है। तो तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जब हमने सम किया, उसको टोटल किया यहाँ पे इस क्वेश्चन में, तो हमें ये चीज़ें मिली है। ऑफिस एक्सपेंस ऑपरेटिंग है, सेलिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग, डिस्काउंट अलाउड ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, बैड डेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन ऑपरेटिंग है, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन और लॉस बाय फायर ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स होते हैं, इसको मैंने शामिल नहीं किया। तो ये 5 आइटम का सम हम देखेंगे तो ये 90,000 आ रहा है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टोटल 90,000 है जबकि नेट सेल्स 8 लाख है। इसका परसेंटेज देखते हैं हम तो ये 11.25% आ रहा है, यानी आप अपने नेट सेल्स के अमाउंट का लगभग 11.25% अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर स्पेंड कर रहे हैं। अब आइए बिल्कुल आखिरी में हम लोग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखें कितना है, कि वो यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दो चीजें हमें मिल रही है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन और लॉस बाय फायर। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन 5,000 और लॉस बाय फायर 20, यानी 25,000 नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो आप निकाल सकते हैं 25,000 अपॉन 8 लाख इंटू 100 3.125%। ये अमाउंट आपका नेट सेल्स का इतना परसेंटेज नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे खर्च हो रहा है या हो गया है किसी न किसी वजह से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर करें।